सहस्त्रबाहु भगवान की जयंती के अवसर पर दमोह मुख्यालय सहित जवेरा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम के आयोजन में शामिल होने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अर्चना जायसवाल दमोह पहुंची। राजा राय के द्वारा उनका स्वागत सत्कार किया गया। इसके अलावा कलचुरी समाज के द्वारा उनका स्वागत सत्कार किया गया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विषयों पर अपनी बात कही। क्या कुछ उन्होंने कहा आपको सुनाते हैं। यानी सामाजिक जगह जो रंग कुमार ऐसे हो जाए वे लोग हो जाए और नहीं जब आप भी पहुंच जाए आप ने लाल चंद देखिए, अभी कलचुरी समाज जो है प्रतिनिधित्व, यदि ऐसा मिलता है, यदि मैं अपने बारे में कहूँ तो मैं इसलिए मना नहीं कर सकती क्योंकि मुझे दोबारा ही पद पर नियुक्ति की गई है और कलचुरी समाज को समय समय पर पद दिए जाते हैं और हम सब उसकी लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि मैं एक समाज की भी हूँ और राजनीतिक दल से भी, तो मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि मैं उसमें काम करूँ। ये हमारे पास में मनीषा राय खड़ी हैं, ये अभी जनरल सेक्रेटरी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी समाज में हैं, परंतु हम चाहते हैं कि ओबीसी समाज से हम आते हैं और ओबीसी समाज मध्य प्रदेश में बहुत बहुतायत में है, तो हमारे जो राय समाज है, तो राय है, जायसवाल है, कटकवार है, जायसवाल है, मालवी है, ये सब लोग हमारे कलचुरी समाज में आते हैं उनकी तरक्की के लिए, उनकी बेहतरी के लिए और उनकी उन्नति के लिए, कि जो राजनीतिक दल में है उनको हम ऊँचा लाने के लिए हर संभव हम लोग प्रयास करते थे और करते रहेंगे। भोपाल में जो घटना घटी है, देखिए बहुत हृदय विदारक घटना है और वहाँ देख के यदि आप लोग भी होते तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते। मैं स्वयं वहाँ पर गई थी और मुझे बड़ा दुख लगा। मैं तो सिर्फ ऐसे देखने के कि जाके देखती हूँ क्या हुआ है। सुबह जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। मैं समझ गई कि अंदर जो चीज़ है वो 3 बच्चों का नहीं है मामला, वो ज़्यादा बच्चों का है और उनको वो सेटलमेंट करने के लिए हम लोगों को, मुझे तो मेरे को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी, पर तो मैंने कहा कि नहीं, मैं इसमें एक्शन लेके रहूँगी। तो ये घटना, यदि आज भोपाल इतना बड़ा शहर है, राजधानी है, यदि भोपाल के हमीदिया अस्पताल में इस तरह की घटना घटती है तो ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक चीज़ है कि हम ऐसे प्रदेश में रहते हैं जहाँ कमज़ोर वर्ग के लोग जो आते हैं और अस्पताल में उनकी हम सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन भाजपा सरकार सबकी खामियां हैं और अब छोटे छोटे लोग को आप उसमें दोषी बना के करार कर दे रहे हैं। आपको स्वास्थ्य मंत्री को आपको इस्तीफा देना चाहिए। वहाँ पर जब मैं वहाँ पर गई तो कई माएँ ऐसी बिलक रही थी जिनके बच्चे साथ में नहीं थे और कई माओं को दूसरे बच्चे दे दिए गए थे कि ये तुम्हारा बच्चा है, कि ये मृत है, ये तुम्हारा है, तुम ले लो और इसको जल्दी से दाह संस्कार कर दो। वहाँ का दृश्य एकदम ही बहुत ही खराब था और वो देखने लायक नहीं था। मैं चाहती हूँ कि ऐसे बड़े अस्पताल में आज तक सेफ्टी के इंतजाम क्यों नहीं थे। आज यदि भाजपा सरकार 17 साल से है तो उनको सेफ्टी के इंतजाम करना चाहिए। हमने भी यही मांग की कि आप जो कमजोर वर्ग के लोग हैं वो आते सोचते हैं हमने अपना बच्चा दिया, कल हमको हमारा बच्चा अच्छे से मिल जाएगा, परंतु उनको बच्चा नहीं मिला। ये घटना अत्यंत दुखद है। इसके जो दोषी हैं उनको कड़ी सजा होनी चाहिए क्योंकि ये हत्या वाला मामला है। बच्चों की हत्या हुई है, वो अपने 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 मन से मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए, जिन बच्चों की आंखें भी नहीं खुली थी और वो आज हमारे बीच में नहीं है। किसी का 1 दिन का बच्चा था, किसी का 10 दिन का था, किसी का जुड़वा बच्चा 5-5-10 साल बाद हुए थे। ये ऐसी घटना मध्य प्रदेश में, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आज हमारे कलचुरी समाज के जो आराध्य हैं, ईश्वर हैं, भगवान हैं, राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन भगवान, उनकी जयंती है और ये जयंती पूरे भारतवर्ष में बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। हमारा जो कलचुरी समाज है वो पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है। करीब 7 से 8 करोड़ लोग हमारे समाज के कलचुरी बंधु हैं और जो यहाँ पर आज दमोह में जो मैं आई हूँ, आज मुझे बड़ी खुशी की बात है कि कलचुरीकालीन जो साम्राज्य था वो 1200 वर्ष राज्य किया था पूरे भारतवर्ष में। यहाँ हमारी बहुत धरोहर है। नोहटा के जो आप मंदिर देख रहे हैं, 64 युगनी हम जबलपुर के पास देखते हैं, हम मंडला के पास आगे जाते हैं तो जो किला और सब बना है, ये सब कलचुरीकालीन धरोहर है। और मुझे खुशी है कि यहाँ हर पंचायत और हर जगह सब लोग मिलकर आज पूरा समाज कलचुरी समाज के आराध्य देव शास्त्रबाहू की जयंती मना रहा है। उसी अवसर पर मेरा आना हुआ है। हमारा समाज जो है, भगवान जो हैं वो बहुत प्रजापालक थे और उनको चक्रवर्ती सम्राट थे
उनको दत्तात्रेय के द्वारा 10 अवतार मिले हुए थे। उनकी मूर्ति हम लोगों ने भगवान की मूर्ति इंदौर में एक चौराहे पे लगाई भी हुई है। पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहाँ हमारे लोग ना हों। आज उनकी जयंती मनाते हुए हमें बड़ा हर्ष हो रहा है और हम लोग गौरवान्वित हैं। राजा भाई और उनके पूरे सभी पदाधिकारी और हमारे समाज के पदाधिकारी सभी के द्वारा कार्यक्रम आयोजित है। मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। सब सहस्त्रबाहु जयंती के इस कार्यक्रम में पधारी अर्चना जायसवाल जी और समस्त स्वजाति बंधुओं को सहस्त्रबाहु जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। दमोवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।